सौरभ कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है आरबीआई क्या है। यहाँ जाने आरबीआई बैंक से जुड़ी पूरी जानकारी। कंटेंट्स: एक, आरबी क्या है। दो, केंद्रीय बैंक क्या है। तीन, आरबी बैंक कहाँ है। चार, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। पाँच, आरबी की स्थापना किसने की थी। छह, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। सात, आरबी के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबी। आठ, आरबीआई के कार्य। नौ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आरबी इन हिंदी। दस, कंक्लूजन। दोस्तों, आरबीआई बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। आरबीआई जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। आरबीआई अपने कार्यों और नीतियों में जनता के हित और आम जनता की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरबीआई एक गतिशील संस्था बनने का भी प्रयास करता है। आरबीआई से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। आइए जानें आरबी क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में आरबीआई का फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक है। आपके मन में भी कभी ना कभी यह ख्याल आया होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। भारत की सारी मुद्रा का हिसाब आरबीआई के पास ही रहता है। आरबीआई मुद्रा छापने का काम करती है तथा मुद्रा पहुंचाने का काम भी करती है। यह बैंक एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। आरबीआई को भारत का प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है। इसके देश भर में 29 ऑफिस है। भारतीय रिजर्व बैंक का पुराना नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ईबी था। यह थी आरबीआई की जानकारी। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि रिजर्व बैंक कहां पर है। आरबी बैंक कहां है? क्या आप जानते हैं आरबीआई बैंक कहां पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इतने बड़े बैंक की स्थापना कब हुई, इस बात की जानकारी शायद ही किसी को पता हो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सभी को पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना में भारत के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट बाबा साहेब आम्बेडकर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने में अपने दिशा निर्देश प्रदान किए थे, जिसके आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई, यह तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दोस्तों, अब जानते हैं आरबीआई की स्थापना किसने की थी। यह तो बहुत ही जरूरी बात है कि आरबीआई की स्थापना किसके द्वारा की गई। ब्रिटिश राज ने आरबीआई की स्थापना की थी। ब्रिटिश राज के दौरान शुरू में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? क्या आपको पता है आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई के नए गवर्नर का पद ग्रहण किया था। उर्जित पटेल की सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने यह पद ग्रहण किया। शक्तिकांत दास वर्ष 2015 से 2017 तक आर्थिक मामलों इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव पद पर रहे थे। आरबी के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। यह तो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के बारे में। जाने तो रिजर्व बैंक में वर्तमान में 3 डेप्यूटी गवर्नर हैं, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन, और पात्रा डेप्यूटी गवर्नर में चौथे स्थान पर होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे कि यह बैंक किन कार्यों के लिए जाना जाता है। आरबी के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबी। आरबीआई के कार्य, आरबी के मुख्य कार्य कुछ इस प्रकार है, जिनके बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं। बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स के लिए उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। यह आरबीआई के प्रमुख कार्य में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। बैंकों के लिए ऋणदाता का कार्य। आरबीआई सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक अकाउंट रखता है और जरूरत पड़ने पर उनके लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य भी करता है। नोट जारी करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देश में नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी तरह के नोट ही जारी करने का अधिकार है, क्योंकि 1 रुपए के नोट केवल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
नोटों को जारी करने छपाई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम रिजर्व प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। विदेशी विनिमय बाजार में जब विदेशी मुद्रा की आपूर्ति सप्लाईज कम हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बाजार में विदेशी मुद्रा बेचता है जिससे कि इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके। भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक और IMF में भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्रेडिट नियंत्रण और देश की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह थे वो कार्य जो RBI बैंक द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों RBI के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आरबी इन हिंदी। आगे जो मैं आपको RBI की दिलचस्प जानकारी बता रहे हैं वो शायद ही पहले आपने कहीं सुनी या पढ़ी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं RBI के रोचक तथ्य। एक, RBI द्वारा सिर्फ करेंसी नोट ही बनाए जाते हैं और सिक्कों को भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। दो, क्या आप जानते हैं RBI का पुराना नाम क्या है? RBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तीन, भारत में फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है और RBI का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है। 4. RBI के रूल में यह शामिल है कि अगर 1 रुपए से 20 रुपए तक का नोट 50% से कम फटा है तो बैंक द्वारा आपको पूरे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन 50% से ज्यादा फटा होने पर बैंक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5. RBI द्वारा वर्ष 1938 में 5,000 और 10,000 भी छापे गए थे। इसके बाद वर्ष 1954 और 1978 में भी इन नोटों को छापा गया था। 6. आबी का प्रतीक क्या है? ताड़ का पेड़ और बाघ RBI का लोगो है। 7. भारतीय रिजर्व बैंक दो अन्य देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम कर चुका है। 1947 तक म्यांमार और 1948 तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक भी रह चुका है। 8. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। 9. RBI के इतिहास में 2 गवर्नर ऐसे भी रह चुके हैं जिन्हें कभी नोटों पर सिग्नेचर करने का मौका नहीं मिला और वो है KG अम्बेगांवकर और ऑसबोर्न ओकल स्मिथ। कंक्लूजन। दोस्तों यह थी RBI की महत्वपूर्ण जानकारी जो आज आपने यहाँ डिटेल में जानी, जिसमें आपने जाना 1. RBI क्या है और RBI बैंक कहाँ स्थित है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 3. रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की। 4. वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। 5. RBI के कार्य क्या है। साथ ही आपको RBI से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिले। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही आपके कोई सुझाव हो तो उन्हें भी शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Instagram, Facebook पर जरूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। प्लीज सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स।